अभी अपन लोग को लेफ्ट लेना है और फिर उसके बाद हम लोग होंगे कुशीनगर में। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? राजीव आर्या नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रेवल आर्या हो। तो आज मैं आपको एक नई खूबसूरती के साथ, एक पुरानी इतिहास के साथ और एक नया शहर घुमाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है कुशीनगर का पार्किंग स्टैंड। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग कराया और यहीं से आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुशीनगर जनपद है, उत्तर प्रदेश का जनपद है। जनपद में डिस्ट्रिक्ट होता है तो यहाँ पे जनपद कहा जाता है। तो आज मैं आपको कुशीनगर के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बारे में दिखाने वाला हूँ, सारी जानकारी जो भी है अंत तक देखिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या है कि बौद्ध भगवान का जो भी मृत्यु हुआ था तो यहीं हुआ था। तो आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को, पूरी अंत तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुशीनगर किस चीज़ से रिलेटेड है, क्यों, यहाँ क्या घूमने लायक है। तो पहले आपको बता देते हैं कि कुशीनगर आना हो तो आप गोरखपुर तक, बगल में ही है गोरखपुर, लगभग 50 किलोमीटर दूर पे, तो आप गोरखपुर आ सकते हैं बस या ट्रेन, देश के किसी भी कोने से बस या ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद बस, बाई बस भी आ सकते हैं, बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट बस चलती है कुशीनगर के लिए, तो आप उसके बाद आ सकते हैं, क्योंकि स्टेशन पर ही मिल जाती है कुशीनगर के लिए बस, क्योंकि बहुत फेमस है कुशीनगर। तो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से भी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट भी यहाँ मिलती है, क्योंकि कुशीनगर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पे चीन, जापान और बौद्धिस्ट देश जितने भी हैं वहाँ से बहुत सारे लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं कुशीनगर, तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो आप आ सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप बने रहें। वेलकम टू कुशीनगर। तो ये है एंट्री गेट और फिर यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको ब्लॉक कि क्या है देखने लायक कुशीनगर में। काफ़ी साफ सुथरा रखा है यूपी सरकार ने, और ये देखिए बैठने के लिए भी है, और हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। चलो सुरंग निकालो, आगे चलते हैं। तो साफ सुथरा काफ़ी है। वो सर कैसा होगा उसकी एंट्री जो होती है, या रेलवे से एंट्री करें या सड़क से एंट्री करें, तो उसकी एंट्री ये बता देती है कि वो शहर कैसा होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। अभी गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है और यहाँ 10 रुपये का टिकट लगा है और यहाँ सेफ भी है। तो आप यहाँ पे आए, कुशीनगर आए, तो पार्किंग में गाड़ी लगा के कितना स्पेस है ये देख लीजिए। तो पार्किंग में गाड़ी लगाएं, उसके बाद ही आप घूमें, ताकि अच्छे से घूम सकते हैं, टेंशन नहीं रहता है। और काफ़ी खूबसूरत है, जाना होगा तो चले जाना भैया। और यहाँ क्या है ना कि यूपी में आने के बाद यूपी वाला किरवा अंदर घुस गया, क्या कहत हो भैया? भैया क्या कहत हो? ये देखिए 100 नंबर गाड़ी यहाँ पे भी लगी हुई है, मतलब एकदम चौकसी भाई, 24 घंटे दिन में इतना लगा के रखे हुए हैं तो रात में क्या होगा। और हम लोग जाने वाले हैं प्राचीन कुशीनगर के भग्नावेश में, तो यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, तो अभी चलते हैं। तो भैया, कुशीनगर को कुशवती के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं, जैसे कि पहले माना जाता था कि भगवान राम जो थे, कौशल के राजा भगवान राम, तो उनका जो पुत्र था कुश, उसकी राजधानी जो थी यहीं थी कुशीनगर। तो उस टाइम उनका नाम, मतलब कुशीनगर का नाम कुशवती था। तो सामने जो आपको दिख रहा है भग्नावेश है, 1934 में यहाँ पे खुदाई हुई थी भैया। तो इस भग्नावेश में क्या था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए रूम बनाया गया था, ताकि वो बौद्ध भिक्षु जो थे वहाँ ध्यान लगा कर रख सकें। तब तक आप लोग अवशेष देखिए। इस भग्नावेश को अशोक सम्राट ने खुदवाया था, क्योंकि उनकी बौद्ध धर्म में बहुत रुचि थी। अस्तूप पर लिखना व स्मारक पर चढ़ना मना है, देख लीजिए भाई साहब, ये सब गड़बड़ी करिएगा मत। तो अस्तूप एवं निर्माण मंदिर, तो इसे पॉज कर आराम से पढ़े, क्योंकि पढ़ लेंगे ना तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो पॉज कर आराम से पढ़े फिर आगे बढ़े। तो भाई साहब, यही वो पवित्र मंदिर है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्राण को त्यागा था। और इस मंदिर के अंदर लगभग 20 फीट लंबी सोई हुई मूर्ति है भगवान बुद्ध की। तो अभी अपन लोग चलते हैं, काम 25 करते हैं।
तो जो आपने देखा अभी तो आपको नहीं समझ आया होगा कि क्या है, तो आपको बता दें कि वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि लेटी हुई थी, उसको मतलब मैंने आपको दिखाया है, जो कि अलाउड नहीं है अंदर कैमरा करना, और सामने इस चीज़ को भी यहाँ पे भी कपल पूरा मतलब किए हुए हैं, स्तूप पर लिखना मना है, तो ये बनचड़ाई करिएगा मत, बहुत लोग कर लेते हैं यूपी बिहार में। और ये सब जो है ना भग्नावशेष है, चारों ओर इस मंदिर के भग्नावशेष हैं जो कि खुदाई के बाद निकला हुआ है। तो भैया इस घंटी का बात ऐसा है कि ये घंटी जो है ना म्यांमार ने इसको गिफ्ट कराया है इंडिया को, और इसका जो वेट है ना 8000 किलोग्राम है। ये है म्यांमार बुद्ध टेम्पल, तो ये म्यांमार डिजाइन शेप का है, तो इधर अंदर चलते हैं। तो ये देखिए लुम्बिनी है, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में उन्होंने ज्ञान लिया था, उसके बाद सारनाथ में भी उन्होंने ज्ञान लिया था, और नालंदा है, तो बोधगया से नालंदा लगभग 75 किलोमीटर है, और फिर राजगीर है, वैशाली है, तो यहाँ बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं, तो उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको हिंदी आती नहीं है, और ये है अभी चाइना से, तो उन्होंने मना कर दिया है। अपन लोग मंदिर के अंदर चलते हैं, और मंदिर परिसर में कृपया शांति बनाए रखें, तो हल्ला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो म्यांमार्ग का मंदिर है, मतलब उसी शेप में बना हुआ है, तो इसे म्यांमार्ग टेम्पल भी कहते हैं, तो इसका पूरा गोल्डन गोल्डन है, पूरा हर एक चीज़ गोल्डन है, तो गोल्डन टेम्पल भी कहा गया है। तो ये जो सारे मूर्ति पे बैग लगी हुई है, ये दर्शाता है कि भगवान बुद्ध के सारे शिष्य हैं और सभी नॉलेज ले रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये साउथ के टेम्पल में भी देखा जाता है, और ये कुछ होगा मतलब पवित्र खंबा टाइप का होगा, और सामने जो है ना एकदम गोल्डन गोल्डन, इतना मतलब प्यारा सा लगता है ना, क्या बताएं भाई साहब, हर एक चीज़ गोल्डन गोल्डन, और ये म्यांमार भाषा में लिखा हुआ है, और सामने जो है अभी ताला लगा हुआ है, मंदिर में जाना शायद सार्वजनिक नहीं है। भगवान बुद्ध ने अंतिम पानी यहीं पिया था, डेट इज़ सरोवर, तो आप यहाँ पे व्यूज़ का नज़ारा ले सकते हैं। तो ये धर्मशाला है जहाँ आप रह सकते हैं, और ये लगभग 1842 ईस्वी में बनाया गया था, और सामने जो आपको दिख रहा है सारा रूम है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब हम लोग चाइनीज़ टेम्पल में, बुद्धिस्ट टेम्पल में एंट्री करने वाले हैं, तो अपन लोग चलते हैं चाइनीज़ टेम्पल। तो अपन लोग को यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि हम लोग चाइना में हैं, और ये सामने जो आपको रूम दिख रहा है ये रहने के लिए है, तो ये सारा जो कुशीनगर है ना सब कुछ आसपास है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप कहाँ रहें, अगर दूर से आते हैं तो कहाँ रहें। ये जैसे कि चाइना मंदिर है, तो चाइना में ड्रैगन रहना तो एकदम नेसेसरी है भाई साहब। तो अभी अपन लोग अंदर चलते हैं और काम 25 करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं अच्छी तरह से, और माहौल पूरा शांत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि अष्ट धातु में बनी हुई है, और ये यूनिक है कि भगवान बुद्ध को भी मतलब ये लोग चीनी स्वरूप में ही बना दिए हैं, पूरा चाइनीज़ टाइप का दिख रहा है भगवान। और ये क्या है कि मतलब आप शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है आप खरीद सकते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा या सिंबल। तो ऊपर चलते हैं अभी हम लोग, और ये ड्रैगन के ऊपर से होते होते, तो ये डबल मतलब डबल फ्लोर का है, तो अभी हम लोग को ऊपर जाना है और ऊपर देखना है क्या है ऊपर। जैसे सामने लाफिंग बुद्ध है, तो माहौल पूरा मतलब चाइनीज़ वाला फील आ रहा है, और हम लोग अब सेकंड फ्लोर पे देखेंगे कि है क्या देखने लगा। तो यहाँ पे भी चाइनीज़ स्वरूप में है, तो इनकी दीवारों पे भी जातक कथा से संबंधित पेंटिंग है, पूरा बौद्ध बौद्ध भगवान का मूर्ति है, मतलब छोटे छोटे पे। और यहाँ नो एंट्री है, तो अंदर नहीं जा सकते हम लोग। और अपन लोग अभी चलते हैं, देखते हैं इधर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, यहाँ उतरने की सीढ़ी है, लेकिन हम लोग के लिए अलाउड नहीं है, इधर भी नहीं जा सकते इधर भी नहीं जा सकते। अभी अपन लोग ये देखिए सामने से व्यू कुछ ऐसा है, मतलब एकदम जबरदस्त काम 25 वाला व्यू है भाई साहब, तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर यहाँ पे। और यहाँ पे भी नो एंट्री है, तो अभी अपन लोग को नीचे से जाना पड़ेगा, जिधर से आए हैं उधर से जाना पड़ेगा, और हम लोग चलेंगे वहाँ। तो सामने जो आपको दिख रहा है एकदम पॉपुलर है सेल्फी पॉइंट के लिए, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ना वो जल टेम्पल है, तो जल टेम्पल में क्या है कि भगवान बुद्ध को तालाब के बीचों बीच रखा गया है, और यहाँ पे इन भाइयों ने शूटिंग शायद करना शुरू कर दिया है। यहाँ लगा है ताला और काम 26 हो गया भाई साहब, तो अंदर जा नहीं सकते,
तो बाहर से ही आपको दिखाना पड़ेगा, ये पैगोड़ा बनाया है। और तो सामने जो है बिरला मंदिर और बिरला धर्मशाला है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है वो बिरला धर्मशाला है, जो कि सबसे फेमस धर्मशाला है। तो सबसे सस्ता सुविधा में आप रह सकते हैं। आप कुशीनगर के सारे दीवार पे बहुत से रिलेटेड चित्र बने हुए हैं। तिब्बती बौद्ध मंदिर जो कि हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये कोरोना टाइम से ही बंद है, तो अभी अलाउड नहीं है जाना। तो ये बौद्ध थाई मंदिर का गेट है, तो क्यों बंद है पूछते हैं। बंद है तो खुलेगा नहीं क्या? अभी नहीं खुलेगा क्या? बंद है थाई मंदिर, तो लग रहा है ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। और आपको अगर कुशीनगर में कुछ हो गया, ट्रीटमेंट वगैरह कराना हो, आँख में कुछ हो गया, तो यहाँ हॉस्पिटल है आयुष का, और यहाँ देख लीजिए, और यहाँ कुशीनगर क्लिनिक है। तो आप यहाँ आराम से आकर एकदम प्रातः 9 से 12 और 1 से 4 तक खुली रहती है, और रविवार को अवकाश। सही है भाई साहब। और ये है द रॉयल रेसिडेंसी होटल है, तो आप यहाँ पे अगर दूर से आए हुए हैं तो यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। हम लोग रामा भाट स्कूल जा रहे हैं और यहाँ गीत गाया जा रहा है और फ्री वाईफाई जोन। भाई साहब अगर आप कुशीनगर आ रहे हैं तो आईडी लेकर आए, क्योंकि बहुत जगह एंट्री करनी पड़ती है। तो अभी हम लोग रामाभार स्तूप में प्रवेश कर चुके हैं, और फिर आप पॉज कर पढ़िए इसको, आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको जो सामने स्तूप दिख रही है, भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद 16 महान जनपदों में उनकी अस्थियों को बांध दिया गया था। तो उसके बाद बांध कर उसके ऊपर स्तूप बनाया गया था। तो सामने जो आपको स्तूप दिख रहा है वो उसी स्तूपों में से एक है, और ये अवशेष है, भग्नावशेष कह सकते हैं, खुदाई के बाद जो निकला हुआ था। और इस स्तूप की खोज 1910 ईस्वी के आसपास की गई थी। तो इसका रेडियस 34 मीटर फैला हुआ है और इसे मुकुटमंदन विहार भी कहते हैं। अभी का ब्लॉग अभी खत्म हो रहा है, तो थाई मंदिर जा नहीं पाए, आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि कोरोना टाइम से ही वो बंद है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी बंद है, अभी बंद ही रहेगा। तो लेकिन बहुत अच्छा है भाई साहब, थाई मंदिर जो है इतना खूबसूरत है ना। लेकिन फिर टाइम आने पे आपको दिखाएंगे, अगर फिर से जा पाए तो आपको दिखाएंगे हम। तब तक के लिए